हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, शायद मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रही है। मैंने वीडियोस भी देखी थी, मेरी किसी यूट्यूबर फ्रेंड ने भी मेरे को सजेस्ट किया था। तो सीधा मैं मुद्दे से ही शुरू करती हूँ। मैं लेके आई हूँ जो हमारे फेस पे झाइया हो जाती है, देखो मेरा निशान आपको दिख रहा होगा झाई का यहाँ से। तो जो फेस पे झाइया हो जाती है उसका ट्रीटमेंट कैसे करें घर पर ही, तो काफ़ी अच्छा है और नेचुरल भी है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं झाइयों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जब लेडीज़ को प्रेगनेंसी होती है डिलीवरी के बाद ज़्यादातर लेडीज़ को झाइया हो जाती है, और फिर कैल्शियम की गोलियाँ, ये खाओ वो खाओ, अलग अलग क्रीमें यूज़ करो, झाइयों से फिर भी छुटकारा नहीं मिलता है। कोई कोई तो मतलब जेनेटिक भी होती है, पहले मेरी मम्मी को भी थी। तो मैंने सोचा कभी वो वाली चीज़ तो मेरे को नहीं आ गई है, लेकिन अभी मम्मी को है नहीं, पहले ही थी। हम जब छोटे छोटे होते थे तो जैसे बात करते होते थे ना मम्मी से कोई भी, अरे फेस पे झाइया है, तो मेरे को वो चीज़ याद आई कि मम्मी को भी झाइया थी। लेकिन इनका इलाज हो सकता है अगर सही समय पर देख लिया जाए तो। मेरा बड़ा बेटा 6 साल का है, उस टाइम पर मेरे को एक साइड में झाई आ गई थी इस साइड में, और इस साइड बिल्कुल साफ़ था। तो मैंने सोचा हो जाएंगी सही, फिर मैंने कैल्शियम की गोली भी खाई, मैंने दवाई भी ली, क्योंकि बहुत भद्दा लगता है फिर झाइया फेस पे अलग से चमकती है तो फिर बहुत बेकार लगता है। और जब सेकंड टाइम मेरी प्रेगनेंसी हुई और डिलीवरी हुई, उसके बाद मेरे को सेकंड साइड भी आ गया, मतलब एक बेटे का इस साइड एक बेटे का इस साइड, तो दोनों साइड मेरे को जो है झाइया आ गई और बहुत ज़्यादा डार्क वाली आई। अब की बार मेरे को झाइया बिल्कुल फेस से अलग, मतलब दूर से ही देखने में ऐसा लगे हाँ बिल्कुल यहाँ पे ये देखो ये इतना, और एक साइड से आँख पे इधर आने लगी ऊपर की तरफ। तो मैं अपनी एक यूट्यूबर फ्रेंड से मिली, तो उसने मेरे को सजेस्ट किया कि तुम्हारे फेस पे तो काफ़ी झाइया हो रखी है, क्यों ना तुम एलोवेरा जो जेल होता है वो ट्राई करो। तो मैं भी एलोवेरा जेल के बारे में बताना चाह रही हूँ। मेरे पास है पतंजलि का एलोवेरा जेल, और आप सब लोगों को पता है कि जेल, जो एलोवेरा जेल होता है, कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारे मतलब फेस के लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और मैंने खुद ट्राई किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू मैं शेयर कर देती हूँ कि कैसा होता है। आप चाहे तो नेचुरल अपना अपने घर में जो एलोवेरा का पौधा होता है वो ले सकते हैं। मेरे पास था नहीं तो मैंने पतंजलि का लिया, और मेरी बोतल आपको दिख रही होगी, इससे पहले मेरी एक बोतल ख़त्म भी हो चुकी है, और एक तो क्या यार शायद जो छोटी वाली होती है ना वो 2 हो चुकी है। और ये, और मैं पहले ना सिर्फ एलोवेरा जेल फेस पे लगाती थी, तो ये भी फ़ायदेमंद होता है। सिर्फ एलोवेरा जेल लिया इतना सा और रात के टाइम में लगा के सो जाओ, ये देखो इतना सा बिल्कुल दिख रहा होगा ना आपको, ये इतना सा लिया और बस ऐसे ऐसे करके, मैंने अभी भी देखो फेस पे कोई मेकअप नहीं किया है, बहुत लाइटन हो गई है मेरी जो झाइया है, बहुत ज़्यादा लाइट हो गई है। तो थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं अपनी फ्रेंड को, मैंने वीडियोस भी देखी थी तो वीडियोस में भी मैंने देखा कि हाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए ये चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ मेरी तरह परेशान होंगी। तो ये देखो ऐसे लगा के रात के टाइम में लगा के सो जाओ, बेटर है, सबसे अच्छा है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो क्या करो, एक चम्मच पतंजलि का या फिर अपना नेचुरल या फिर कोई भी मतलब ब्रांड का आपके पास एलोवेरा जेल आप ले सकते हैं, आजकल तो काफ़ी अच्छे मार्केट में आ गए हैं। मैं तो यही करती हूँ, तो मैं आपको यही दिखाऊंगी, ये वाला ही यूज़ करती हूँ मैं। तो एक चम्मच एलोवेरा जेल और उसमें एक विटामिन ई के जो कैप्सूल आते हैं ना उसको करके अच्छे से मिक्स करके, और फेस पे ना 20-30 मिनट के लिए मसाज करके, एक बार 2-3 मिनट के लिए, और 20-30 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दो, 2-3 मिनट से ज़्यादा भी मसाज कर सकते हो, फिर उसके बाद फेस को धो के और फिर सो जाओ। क्योंकि बहुत से ना, पहले मेरे को भी इरिटेशन होती क्योंकि ये थोड़ा ना मतलब थोड़ा सा चिपचिपाट करता है एलोवेरा जेल कुछ टाइम के लिए, और अगर पसीने आ रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा करता है, तो बहुत से ना फेस पे कैरी नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता रात को सोना कि इधर इधर लगे उधर लगे। तो अगर लगा के ना सोना चाहो तो रात के टाइम में ऐसा कर सकते हो आप, 20-30 मिनट लगा के और फिर फेस को वॉश कर लो, ठीक है। तो ठीक है कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरी आदत है बोलने की। तो मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ, मतलब अभी तो मैंने फेस के लिए बताई, झाइयों के लिए, पूरे फेस के लिए तो नहीं बताई किस किस चीज़ में काम आता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की, और भी मैं एलोवेरा जेल के फ़ायदे में आप लोगों को बताऊँगी। तो जो अपनी नेचुरल चीज़ें होती हैं उनकी तो होड ही नहीं होती, बराबरी नहीं कर सकती, कोई भी ब्रांड होगी, कोई भी कुछ हो गया, जो मतलब जो नेचुरल है वो नेचुरल ही है,
तो आप पौधे से भी ले सकते हैं सीधा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और एक बार प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखना। और अगर फेस पे झाइयाँ नहीं हैं तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, फेस के लिए ऐसे भी अच्छी होती है, पोषण देती है फेस को एलोवेरा जेल। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।